मम्मी हाँ? जब हम छोटे थे आप कहते थे परी उड़ती है। हाँ, उड़ती है, लेकिन अपनी पड़ोसन तो कभी नहीं उड़ी। तुझे किसने कहा वो परी है? पापा कहते हैं मम्मा। परी का तो पता नहीं, लेकिन आज तेरा बाप उड़ेगा। अरे अरे रुको, अरे रुको मम्मी, खा जा रही हो। अरे रुको 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 रुको। यार जब हमारी शादी हुई थी तब तुम मुझसे कितने प्यार से बोलती थी और अब नहीं बोलती। तब मैं रामायण देखती थी। अब क्या देखती हो? क्राइम पेट्रोल। मर्द लोग गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, हवाई जहाज चलाएं, ट्रक चलाएं, और हम बेचारियां जुबान तक ना चलाएं। तो जैसा कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए। तो आपके हिसाब से भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम? तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा, मान लो तुमको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो एक दिन के प्रधानमंत्री, अगला दिन मोदी जाने। आंटी जी। हाँ। देखियो तुम सबका रिश्ता कराओ, मेरा भी करवा दो। कैसी बात कर दी, शकल देखिए अपनी। आपके रिश्तेदारों को आपसे इतनी तकलीफ क्यों है? क्योंकि उनके बेटे मेरी बराबरी नहीं कर पाते हैं। हाँ भाऊ, हम तो आपको बहुत पहले बताना चाहते थे, ये हम औरतों के लिए सरदर्द बन गया है। हमेशा पूछता है चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे तेरी दादी माँ। आइंदा कभी किसी लड़की को बुरी नजर से झांका ना तो तेरी दोनों गोटियाँ फोड़ दूंगा। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बहुत। कितना? बहुत थोड़ा बहुत। भगवान क्या जुनून है भैया, मैं तो टूट गया। हेलो। अरे अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और तेरा रिजल्ट का क्या हुआ? आप कौन? कब लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? गूगल, अगर अचानक से भगवान हमारे सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होने का, पहले कंफर्म करने का कि वो हमारे पास आए हैं या हम उनके पास गए हैं। अरे फोटो लियो, पोर्ट्रेट में लियो। और पोर्ट्रेट की स्पेलिंग बताइयो। चल बिलर में ले ले, बिलर में BLUR। बच्चों ये बताओ, शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखते हैं? मैडम जी इसलिए ताकि उसे कोई देख के ये ना बोलते ओबे ये तो मेरी वाली है। टीटी बड़ी, टीटी बड़ी। किन बच्चों के साथ रह रही है, दिमाग इतना गंदा हो रहा है? पापा को बुला के लाना अपने घर, शिकायत करूंगी उनसे। एक दिन एप्पल से भी बड़ी कंपनी खोलूंगा। ओ भाई, उस कंपनी का नाम क्या रखेगा? तरबूज। बड़ी मुश्किल से गोरा हुआ था, ठंडी में चमक रहा था, गर्मी आते ही फिर से काला हो गया। भोली भाली बीबियों का सबसे सुंदर डायलॉग, अरे पीते नहीं है, दरअसल इनके दोस्त ही नालायक हैं, जो इन्हें जबरदस्ती पिला देते हैं। लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि उनका गंगाधर ही शक्तिमान है। आप मेरी शक्ल देखो। देख ली। आपको लगता है मेरी शादी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, दो बार कर रखी हूँ। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करके ब्लॉक करें। काबिल बनो इसके लिए। सभी शादीशुदा औरतों को सूचित किया जाता है कि कोई भी औरत अपने पति से परेशान है तो वो हमारी गर्लफ्रेंड बन सकती है, क्योंकि कुंवारी लड़की तो हमसे पट नहीं सकती। पता करो 3 नंबर बेड पे जो पेशेंट था उसको होश आया कि नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं, वो बेहोश था, मैंने उसका पोस्टमार्टम करवा दिया।